मुहैया नहीं की गई और मदद नहीं पहुंचने का आरोप लगाया गया है। शोर मचाने के बाद मेंटेनेंस की टीम पहुंची, आसपास के लोगों ने मेंटेनेंस टीम को बुलाया, तब जाकर मदद मुहैया करवाई गई। तो देखिए किस तरीके से खबर है, करीब 20 मिनट तक लोग फंसे रहे। शोर मचाने के बाद यहां मेंटेनेंस की टीम पहुंची और बताया जा रहा है कि काफी देर तक प्रयास किया गया लोगों की तरफ से बुलाने का, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मदद मुहैया नहीं करवाई गई। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर से लिफ्ट में जान फंसी हुई नजर आई, तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई है, जहां एक बार फिर से लिफ्ट हादसे की यह खबर देखिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर से लिफ्ट अटकी है और बताया जा रहा है कि 20 मिनट तक तकरीबन लिफ्ट फंसी रही, इसमें लोग फंसे रहे। कई बार मदद को लेकर के कॉल भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। काफी देर बाद जब शोर मचाया गया, इसके बाद कहीं ना कहीं लोग और मेंटेनेंस की टीम पहुंची। वही दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का कहर लगातार जारी है, बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर रैप 4 लागू किया गया।